मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करम विनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक राजा के दरबार में एक हाथी बंधा हुआ था। महावत ने उसको नहला धुला कर लाया था। वह हाथी अपनी सूंड से धूल उठा उठा कर अपने शरीर पर लेता था। एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई, अभी आपने हाथी को नहला धुला कर यहाँ लाया है और फिर यह हाथी अपने शरीर पर धूल ले रहा है, क्यों? महावत ने उत्तर दिया कि यह जंगली जानवर है ना, इसको कितना भी नहला लो धुला लो, लेकिन ये अपने स्वभाव से बाज आने वाला नहीं है ना, इसलिए धूल ले रहा है, उसको क्या पता स्नान क्या होता है। व्यक्ति आगे बढ़ता है, अब्दुल रहीम खान खाना से भेंट होती है। वे भगवान कृष्ण के भक्त भी थे, बड़े दानी थे, ज्ञानवान विद्वान थे, अच्छे कवि भी थे। उनसे उन्होंने पूछा धूल धरत निज शीश पे कहु रहीम के ही काज, कवि थे इसलिए उन्होंने कविता में ही पूछी। रहीम कवि ने उत्तर दिया, जही रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। वह शरीर पर धूल नहीं दे रहा ले रहा है, वह तो उस धूल की खोज में है जिस धूल से ऋषि पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया था। संत कबीर साहब से भी किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों। संत कबीर साहब ने उत्तर दिया था कि वह अपने सिर या शरीर पर धूल नहीं दे रहा है, वह अपने सिर को धुन रहा है, वह सोचता है और पछताता है। राज द्वारे बंधिया माथा धुने गयंद,
वह माथा धुन रहा है। क्यों धुन रहा है? मनुष्य जन्म कब पाई हो भजियो परमानंद, इसलिए वह माथा धुन रहा है, भूल नहीं ले रहा है। हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। हाथी तो सिर धुन रहा था कि मनुष्य शरीर हमको मिले कि भगवत भजन हम करें, लेकिन हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अगर हम भगवत भजन नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा हमको भी एक दिन हाथी के समान सिर धुनना नहीं पड़े, इसलिए ये सत्संग का आयोजन है। कोई बच्चा मेले ठेले में खो जाता है, माँ बाप से बिछुड़ जाता है, उस मेले में सरकारी व्यवस्था रहती है, पुलिस घूमती रहती है, खोए हुए बच्चों को व्यक्तियों को लाकर एक जगह शिविर में रखते हैं। वैसे ही एक बच्चा मेला में खो गया था, पुलिस उस बच्चे को लाती है, शिविर में रखती है। वह बच्चा छोटा सा है, माँ बाप से बिछुड़ने के कारण रो रहा है, जार बेजार रो रहा है। पुलिस बेचारी क्या करती है, उसको कभी मिठाई देती है मन बहलाने के लिए खाए। थोड़ी देर वो बच्चा मिठाई खाता है, लेकिन जब माँ बाप की याद आती है तो मिठाई वो फेंक देता है, फिर रोने लग जाता है। तो पुलिस उसके सामने में कुछ खिलौना रख देती है, वह बच्चा कभी खिलौना झुनझुन झुनझुन करता, कभी उसमें वो अपना मन लगाता है, लेकिन फिर जब उसको याद आ जाती है माँ बाप की तो उस खिलौने को फेंक देता है, रोने लग जाता है। बहुत तरह से व्यवस्था करती है पुलिस बच्चे को शांत करने के लिए, लेकिन यह कितनी भी व्यवस्था करने पर वह बच्चा चुप हो सकता है जब तक उसके माँ बाप से उसकी भेंट ना हो जाए। कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन वह बच्चा रोता ही रहेगा। उसी तरह यह जीव इस संसार में आया हुआ है, भटका हुआ इस संसार में, विषय के मेले में यह भटका हुआ है, विषयों में यह अटका हुआ है, माया में यह लटका हुआ है। सांसारिक चीजें हम देते हैं इस जीव को, लेकिन कितना भी हम कुछ देते यह संतुष्ट नहीं होता है। एक भीख मंगा है, लोगों के सामने हाथ पसारता है, उसके हाथ में एक 10 पैसा कोई दे देता है तो खुश हो जाता है कि 10 पैसे मिल गए। 2-4 दस जगहों में वह घूमता है, अब 10-10 पैसे अगर उस भिखारी को मिलने लग गए, 90 पैसे मिल गए, 10 पैसे को पाकर के वह जितना प्रसन्न हुआ था, 90 पैसे को पाकर वह चिंतित है कि 10 पैसा मिल जाता तो रुपया पूरा हो जाता। आज हम चाहते हैं 10-20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 1000 होने पर लाख की खोज करते, करोड़ की, अरब की, न मालूम यह कल्पना कहां कहां तक बढ़ती जाती है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, ज्यों 10-20-50 भये सत, होय 1000 तो लाख मंगेगी। यदि लाख पूरा हो जाए तो, लखपति बन जाए तो, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी।
यदि धरापति भी बन जाए तो तब अब पृथ्वी पाताल हो राज करो, कृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ है तेरी तो आग कभी न बुझेगी। लेकिन यह संतोष आता कैसे है, यह संतोष धन रखा हुआ कहाँ है? जब तक संतोष नहीं हो, कामनाओं का अंत नहीं होता, कामनाओं का अंत हुए बिना कभी स्वप्न में भी सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही, राम भजन बिन मिटही की कामा, फल विहीन तरु कवहु की जामा। जिस तरह बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जम सकता, उसी तरह जब तक भगवत भजन नहीं किया जाए तब तक कामनाओं का अंत नहीं होता, और जब तक कामनाओं का अंत नहीं होता तो गोसाई के स्वप्न हो सुख नहीं, स्वप्न में भी उसको सुख नहीं मिलता। भगवत भजन कैसे किया जाता है, इस संतमत सत्संग के आयोजन में वह बताया जाता है। संतों ने विविध प्रकार से समझाने की चेष्टा की है। जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं, मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, जब तक भेंट नहीं हो फिर भेंट हो जाती है, माँ बाप से प्रसन्न हो जाता है। उस प्रभु से मिलने के लिए, जिस परमपिता परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, उससे हम कैसे मिलेंगे, इसके लिए संतों ने कभी दास्य भाव में कहा है, कभी सख्य भाव में कहा है, कभी वात्सल्य भाव में कहा है, कभी दाम्पत्य भाव में कहा है, कि किसी भी तरह यह समझ जाए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी को दास्य भाव पसंद है। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उर्गारी। सेवक सेव्य भाव की वे चर्चा करते हैं, दास्य भाव है, कहीं सख्य भाव भी है। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं, हनुमान जी ने उत्तर दिया कि शरीर भाव में आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, जीव भाव में आप ब्रह्म में हैं, हम जीव हैं, आप अंशी हैं, हम अंश हैं, लेकिन आत्मभाव में तो भगवान जो आप हैं सो हम हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी का सेवक से विभाव था। भगवान कृष्ण और अर्जुन का सख्य भाव था। राजा दशरथ और भगवान राम में वात्सल्य भाव था। यशोदा जी और भगवान कृष्ण में वात्सल्य भाव था। गोपियों का दाम्पत्य भाव था।